हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारे पास G5 मोबाइल है चाइना का, तो इसको पासवर्ड लगा हुआ है, सिक्योरिटी कोड है, तो हम इसका सिक्योरिटी कोड अनलॉक करेंगे। तो उसके लिए आप मज़ीद वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें। ये देखें, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आ रहा है, ठीक है। तो फ़ोन ओपन नहीं हो रहा, फ़ोन अनलॉक करना है हम लोगों ने, तो चलें फ़ोन अनलॉक करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक मेरिकल टूल, तो बिल्कुल सिंपल है। ये चिप है एसपीडी में, क्योंकि ये जो जितने भी G5 चाइना मोबाइल या और कोई कंपनी के मोबाइल आ रहे हैं, क्यू में होता है, MTK हो जाता है कुछ मोबाइल बटन वाले, ज़्यादातर ये एसपीडी में आते हैं, तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एसपीडी पे लेके आना है, और ये जितनी भी चिपें हैं एसपीडी की, ये काम करती हैं। ये जो न्यू मोबाइल भी आ रहे हैं G5 या एरा वगैरह, जो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है, क्योंकि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है अगर उसका बूट लोड जो है वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया जाए। यहाँ पर ये देखें, लिखा हुआ है SPD6631E SP, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ये इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना। जब आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। यहाँ पर वो बता रहा है स्कैनिंग USB मोबाइल पोर्ट, और इनकी बूट की क्या है, ये मोबाइल है गोल्ड, ठीक है, G5 गोल्ड मोबाइल है, ठीक है। बैटरी निकाल के दोबारा लगाएं बैटरी इसके अंदर, और उसके बाद ये बटन दबाएं 3 और 1, इन दोनों बटनों को दबाए रखना है आपने, और उसके बाद केबल कनेक्ट कर दें। अब दोनों बटन छोड़ दें, इसकी बूट की होगी 1 और 3। G5 के जितने भी मोबाइल हैं SPD छोटे मोबाइल हैं, ये देखें यहाँ पर इसने हमें कोड दे दिया, ये स्क्रीन कोड है, और ये जो है ये फ़ोन अनलॉक कोड है, और ये भी फ़ोन अनलॉक कोड है, और ये भी फ़ोन अनलॉक कोड है। आपने इनमें से ये प्राइवेसी फ़ोन अनलॉक कोड है, तो हम लोग ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोड लगा के दिखाता हूँ। अगर आपको इंफ्रारेड इंफॉर्मेशन पे ये चीज़ ना मिले, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रेड अनलॉक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपको साथ ही बता दूं, क्योंकि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो। ये देखें, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और चिप यही इस्तेमाल करते हैं, और अगर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे क्लियर पास कोड पर, तो पासवर्ड ऑटो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर मैंने आपको दिखाना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। हम उस पर क्लिक नहीं करते, रेड अनलॉक पे और स्टार्ट के बटन पे क्लिक, और दोबारा हम फिर मोबाइल जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 1 प्लस 3 दोनों को दबाए रखना है, USB केबल लगा देनी, वास्तव में इंफॉर्मेशन पे कोड नहीं आते, मगर कुछ मोबाइलों के आ जाते हैं, इसलिए रेड अनलॉक पे भी ये देखें वही कोड हमारे पास आए। अब यहाँ पर हम डायल करते हैं 1155। आप भी इन सब में से कोड जो है वो यूज़ करके देख लीजिएगा जो सा लगे आपके मोबाइल को। ये देखें जी, मोबाइल ओपन हो गया। ठीक है जी, मोबाइल ओपन हो चुका है हमारा इस टाइम। तो इसी तरह से आपने SP जितने भी कोड हैं वो अनलॉक करने हैं छोटे मोबाइलों के। अगर चिप कोई काम नहीं करती तो ये वाली चिप लगा लें, और उसके बाद एक चिप चलती होती है ये वाली, इसमें G वाली, ठीक है जी। तो बस जो मोबाइल हैं उसमें चिप चलती है ये वाली, तो जो G5 के हैं उसमें चिप वही चलेगी जो मैंने बताई। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए और लेके आता रहूँगा, अपडेट वीडियो बनाता रहूँगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।